लॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर नासिर अदीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं यूनुस मलिक साहब के घर पे आता था मौला जट के बाद। हमारे पास 16-17 फिल्में थी, हम बहुत बिजी थे। ये वो दौर था कि जब हमें अपने बच्चों का फोन सुनने का भी टाइम नहीं होता था। उस दौर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ख्वाब देखा जो आँख खुल गई और ख्वाब टूट गया। वो स्टूडियो जहाँ हमारा वापस आने को घर दिल नहीं करता था, अब वहाँ जाने को दिल नहीं करता। लोग मेरे से पूछते हैं कि वो मौला जट वैसे डेड जजमेंट के डायलॉग कहाँ गए। मैं उनसे पूछता हूँ वो डायलॉग बोलने वाले कहाँ गए। ना मुझे पता था, ना सरोज भट्टी को पता था, ना यूनुस मलिक को पता था कि मौला जट इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। उस दौर में अंजुमन का और राशि का बड़ा तूती बोल रहा था। तो नखरे होते हैं आर्टिस्टों के, वो डेट्स नहीं मिलती। तो वो फिर नादर और नीली को ले आया। हथेली पे जो आदमी लिख के जाता था ना कि मैंने यूनुस मलिक और नासिर अदीब को साइन कर लिया, उसकी फिल्म उस हथेली पे बिक जाती थी। आपकी आखिरी मुलाकात यूनुस मलिक साहब से कब हुई और कोई ऐसी ख्वाहिश जो वो आपके साथ डिस्कस करते? उनकी ख्वाहिश एक ही थी कि फिर से एक फिल्म शेर खां बन जाए, फिर से एक फिल्म मौला जट बन जाए। नाज़रीन, लॉलीवुड के सबसे बड़े राइटर नासिर अदीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि यूनुस मलिक साहब की बरसी में शिरकत के लिए आए हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, पहले तो आज बरसी के हवाले से बताएं कि उनकी बरसी हर साल ही मनाई जाती है, और क्या यादें हैं यूनुस मलिक साहब के साथ? सबसे पहले तो जो आपने नाज़रीन से मेरा तारफ़ करवाया, मैं ज़रा उसे दुरुस्त कर लूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मैं सबसे बड़ा राइटर नहीं हूँ। हम समझते हैं सबसे बड़ा राइटर तो अल्लाह की ज़ात है, उसकी अता है, फिर वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। इज्जतों का मालिक भी वही है, अजमतों का मालिक भी वही है। और आज मैं मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा आया हूँ यूनुस मलिक साहब की बरसी पे। पहली बरसी पे आया था, नहीं दूसरी बरसी पे आया था, और आज आया हूँ। ये गली मेरी बड़ी देखी वाली है। इस गली में मैंने तकरीबन 6-7 साल मुसलसल सफ़र किया। यहाँ मैं यूनुस मलिक साहब के घर पर आता था मौला जट के बाद। फिर हमारे पास 16-17 फिल्में थी, हम बहुत बिज़ी थे। और ये वो दौर था कि जब हमें अपने बच्चों का फ़ोन सुनने का भी टाइम नहीं होता था। उस दौर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ख्वाब देखा जो आँख खुल गई और ख्वाब टूट गया। वो स्टूडियो जहाँ हमारा वापस आने को घर दिल नहीं करता था, अब वहाँ जाने को दिल नहीं करता। लोग मेरे से पूछते हैं कि वो मौला जट वैसे डेड जजमेंट के डायलॉग कहाँ गए। मैं उनसे पूछता हूँ वो डायलॉग बोलने वाले कहाँ गए, वो डायलॉग पिक्चराइज करने वाले कहाँ गए। ना यूनुस मलिक रहा, ना सुल्तान राय रहा, ना मुस्तफा कुरैशी रहा। तो वजन तो किसी के ऊपर उसकी ताकत देखकर रखा जाता है ना। तो दुआ है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक और यूनुस मलिक मिल जाए, एक और मौला जट बन जाए, और इंडस्ट्री की बाहरें वापस आएँ। और इंडस्ट्री की बाहरों से मुराद मेरी ये है कि वो लोग जो इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और जो आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे और उनके चूल्हे जलना शुरू। सर, याद है यूनुस मलिक साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी? यूनुस मलिक साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात सरवर भट्टी साहब ने करवाई थी, जब उन्होंने मौला जट के लिए उनको साइन किया। उससे पहले मैंने उनको देखा ज़रूर था, वो हमारी स्टूडियो में होते थे, वो फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म का नाम था, पहली फिल्म थी उनकी पत्नी, क्या नाम था? तो जीरा साईं थी। जीरा साईं। तो उस जीरा साईं की शुरू में मैं उनको देखा करता था। अच्छा। तो अपने जैसे एक आदमी पतला सा और सुखा सड़ा सा मेरी तरह वो काम करते, तो बड़ी खुशी होती थी। मुलाकात उनकी बारिश स्टूडियो में सरवर भट्टी साहब ने कराई, जब वो डायरेक्टर मौला जट के हमने साइन किया। तो बस तब से फिर मुतमइन थे कि ये डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्म को लेकर सही तरीके से चल सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ना मुझे पता था, ना सरोज भट्टी को पता था, ना यूनुस मलिक को पता था कि मौला जट इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी या ये एक फिल्मों का संगम मील बन जाएगी, ये नहीं पता था। इतना ज़रूर पता था कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। तो यूनुस मलिक साहब का मैंने वैशी गुजर का एक गाना देखा था जो जेल में उन्होंने पिक्चराइज किया था। वो गाना देख कर मैंने सरोज भट्टी से कहा था कि ये मेरे स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा पिक्चराइज करे। हाँ जी सर, आपको जुल्फकार अली ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने भी इनवाइट किया था, वो क्या किस्सा है? वो तमाम इंडस्ट्री को बुलाया था उन्होंने, उसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, मैं भी था। उस वक्त इंडस्ट्री पर बड़ा ये इल्ज़ाम था कि यहाँ फौज फिल्में बन रही हैं, बुरी फिल्में बन रही हैं, बदमाशी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ जब मैंने सदर ज़िया साहब के सामने तकरीर की तो मैंने उनकी वो गलतफहमी दूर कर दी। मैंने कहा आपको ये वो गंद दिखाते हैं जो गंद सेंसर बोर्ड काट देता है, तो उस गंद को दिखाते हैं, वो अच्छाई नहीं दिखाते जो हमारी होती है। गंद एक फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 फुट का होता है, हमारी फिल्म 14,000 फुट होती है, आप उसे देखें।
तो वो फिर उसकी समझ नीली और नादरा जैसी अदाकराओं को भी लेकर आए, उस हवाले से भी जी आखिरी जंग में हमने इनको इंट्रोड्यूस किया था, यूनुस मलिक साहब, नादरा और नीली का क्या बनी थी कि उनको तलाश किस तरह उन्होंने किया और ज़रूरत क्यों महसूस हुई? असल में यूनुस मलिक साहब में ये एक हौसला था, वो रिस्क लेते थे। अच्छा। तो उस दौर में अंजमन का और राष्ट्रीय का बड़ा तूती बोल रहा था और तो नखरे होते हैं आर्टिस्टों के, वो डेट्स नहीं मिलती तो वो फिर नादरा और नीली को ले आया और अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म किया कि दोनों सुपरहिट हीरो ने बनी। जी। अच्छा सर, थोड़ा सा एक तो उरूज के हवाले से भी बताइए कि जब यूनुस मलिक साहब इतने बड़े डायरेक्टर बन गया तो जब वो स्टूडियो में जाते थे तो क्या वो समा होता था और कैसा वो उरूज था, वो भी नाज़रीन से शेयर करें। मैं क्या क्या बात शेयर करूँ, मैं इतना पता है कि हम जब जाते थे स्टूडियो के अंदर तो मुझे ले के फ़र्ज़ करो यूनुस मलिक जाते थे तो रास्ते में मुझे कोई और पकड़ लेता था, इसी तरह यूनुस मलिक को अगर मेरे साथ आ रहा था पता चला कोई और प्रोड्यूसर लेकर चला गया। और ये वो दौर था जब हथेली पे जो आदमी लिख के जाता था ना कि मैंने यूनुस मलिक और नासिर दीप को साइन कर लिया है। अच्छा। तो उसकी फिल्म उस हथेली पे बिक जाती थी। अच्छा। इनका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? जैसे आपने एक वाकया भी सुल्तान राई के हवाले से बताया कि वो इन्होंने सुल्तान राई साहब को किसी ने बुरा भला कहा तो इन्होंने कहा जी। उस जगह मैं आपको बताऊं कि यूनुस मलिक का सिवाय मेरे कोई दोस्त नहीं था। अच्छा। यूनुस मलिक साहब का दोस्त था। अच्छा। ये उसमें क्वालिटी थी कि जो भी उसके साथ लग जाता था वो दिल जान से उसका साथ भी देता था, उसके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। लेकिन यूनुस मलिक का दोस्त नहीं था, यूनुस मलिक के सारे दुश्मन थे। अच्छा। क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने इज्जत और वो मकाम ऐसा दिया, धोखे भी खाए इंडस्ट्री। हाँ, जो किसी बर्दाश्त नहीं होता, साफ जाहिर है ऐसे मौके में धोखे भी होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। आखिर में ये बताएंगे आपकी आखिरी मुलाकात यूनुस मलिक साहब से कब हुई है और कोई ऐसी ख्वाहिश जो वो आपके साथ डिस्कस करते हों जो अधूरी रह गई है? यूनुस मलिक के साथ आखिरी दिनों में मैं हर रोज़ वहाँ अलामा अकबाल टाउन में एक कोठी थी जिसमें उनका दफ्तर था, तो वहाँ मैं रोज़ ही रात को उनके पास होता था और रात दो दो तीन तीन बजे तक हमने बैठे रहना। तो उनकी ख्वाहिश एक ही थी कि फिर से एक फ़िल्म शेर खां बन जाए, फिर से एक फ़िल्म मौला जट बन जाए। तो हमने एक स्क्रिप्ट भी लिखा पुत्र मौला जट का, एक स्क्रिप्ट लिखा पुत्र शेर खान का, लेकिन ज़िंदगी ने उनकी वफा नहीं की, वो दोनों स्क्रिप्ट उनके पास ही रह गए और वो फिल्में नहीं बन सकी। सही है। तो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। सर बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन नासिर अदीब साहब थे और बातें तो सर इतनी हैं कि किताबें लिखी जा सकती हैं और घंटों प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से इंशाल्लाह इनके साथ फिर कोई और खसूसी प्रोग्राम करेंगे।